नमस्कार। पुनः एक वीडियो के साथ मैं रत्नेश्वर झा आपके समक्ष। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। गांव का ये सुंदर सा दृश्य, सामने बहुत से आम के पेड़ और उस पेड़ की छाया में ये चर रही बकरियां, ग्रामीण परिवेश का बहुत ही सुंदर सा चित्रण। दूर तक आपको हरियाली दिखाई दे रही होगी और कुछ बकरियां अन्य खेतों में भी चरती हुई। दोपहर का ये समय, प्रचंड गर्मी इन दिनों लगता है जैसे सूरज पृथ्वी के बिल्कुल निकट आ गया है। चारों तरफ सुनसान, कभी ये धरती जो हरी भरी रहती थी आज पूरी तरह वीरानगी है। फसल कट चुके हैं, बारिश के इंतज़ार में इनकी समुचित जुताई नहीं हो पा रही है। पुनः अगले फसल के इंतज़ार में ये खेत और ये दूर में दिखाई दे रहे तार के पेड़। इधर हरियाली, बहुत ही विहंगम दृश्य। गांव का, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और देश की 70% से अधिक आबादी अभी भी गांव में रह रही है। हालांकि गांव का भी विकास धीरे धीरे हुआ है। प्रायः सभी गांव में बिजली है, पक्की सड़कें हैं और आने जाने की सुविधाएं प्रायः प्रत्येक गांव में हैं। ये निर्जन सड़कें दोपहर का ये समय बहुत ही गंभीर स्थिति, बहुत तेज़ गर्मी इन दिनों बिहार के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी, पछुआ हवा, जेठ की दुफारी जो हम लोग सुनते थे और इस पर मधुप जी जो प्रसिद्ध मैथिल कवि थे उनकी भी एक प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल वही समय अभी देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।